वीडियो का ड्यूरेशन देख के डर मत जाना। वैसे तो ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, अगर तुम पूरा देखोगे तो इसमें तुम्हारा ही फायदा है। बट फिर भी अगर तुम्हें कोई स्पेसिफिक पार्ट ही है जो तुम्हें पढ़ना है अबाउट स्पाइनल कॉर्ड, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में टाइम स्टैम्प्स दे रखा है, तो तुम वहाँ से जाके डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड जो भी तुम्हें टॉपिक पढ़ना हो वो जाके तुम डायरेक्टली वहीं से पढ़ सकते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, विच इज फ्रॉम न्यूरो एनाटॉमी, दैट इज द एनाटॉमी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो इस वीडियो को आप एंड तक अच्छे से देखना, क्योंकि आपके जितने भी डाउट्स हैं रिलेटेड टू स्पाइनल कॉर्ड एनाटॉमी वो इस वीडियो में सारे क्लियर हो जाएंगे। और मैं आपको दावे से कहती हूँ, अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो फिर स्पाइनल कॉर्ड से अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप उसमें कभी नहीं अटकोगे। प्लीज इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और हाँ इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि बीच बीच में मैंने आपसे क्वेश्चंस भी पूछे हैं और उन क्वेश्चंस का आंसर आप तभी अच्छे से दे पाओगे जब आप ये वीडियो को एकदम ध्यान लगा के सुनोगे। तो अपना कॉपी पेन लेके तैयार हो जाओ, नोट्स भी साथ साथ बनाते रहना। मैंने यहाँ पे नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं, या तो आप स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, एल्स आप एक कॉपी पेन लेके सारी चीज़ों को नोट डाउन भी कर सकते हो। तो अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को, मैं आ जाती हूँ साइड में और हम चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर। और हाँ, ध्यान से इस टॉपिक को समझना, क्योंकि बीच में आपको क्वेश्चन के आंसर भी देने। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो होता क्या है, राइट? तो स्पाइनल कॉर्ड एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट है हमारी बॉडी के अंदर, और ये लोअर पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। अगर आपने इसके पहले का वीडियो मेरा देखा होगा, इंट्रोडक्शन टू न्यूरो एनाटॉमी, तो वहां पे आपने देखा होगा कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो लोअर पार्ट ऑफ द CNS में आता है। अपर पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज द ब्रेन, एज वी ऑल नो, एंड लोअर पार्ट में कम्स द स्पाइनल कॉर्ड। अब ये जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ये शुरू कहाँ से होती है? अब देखो, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है हमने बोला ये लोअर पार्ट है CNS का, और अपर पार्ट कौन सा है हमारे CNS का? दैट इज ब्रेन। तो ऑब्वियसली ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये निकल कहाँ से रही होगी? ब्रेन से ही निकल रही होगी। तो ब्रेन के कौन से पार्ट से निकलती है ये? तो ये कंटिन्यूशन में होती है फ्रॉम द मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। तो मेड्यूला ऑब्लोंगाटा है जो होता है वो ब्रेन का एक पार्ट होता है, और उसी के साथ कंटिन्यूशन में हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो निकलती है। इट ऑक्यूपाइज द अपर 2/3 ऑफ द वर्टेब्रल कैनाल, यानी कि जो आपकी वर्टिब्रेज होती हैं सर्वाइकल थोरैसिक लंबर, उनसे एक मिलके वर्टेब्रल कैनाल बनता है सारी वर्टिब्रेज से मिलके, और उसका जो अपर 2/3 ऑफ द कैनाल है, यहाँ पे आप इमेज में भी देख सकते हो, ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पे पूरा वर्टेब्रल स्पाइन दिखाई हुई है, उसके अंदर आपकी स्पाइनल कॉर्ड भी है। तो अपर 2/3 ऑफ द जो पार्ट है वो आपका स्पाइनल कॉर्ड लेके जाती है, और ऊपर तो आपका ब्रेन है। तो अगर मैं वर्टिब्रे के लेवल्स में आपको बताऊं तो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द अपर बॉर्डर ऑफ द एटलस वर्टिब्रे। अब ऑब्वियसली यहाँ पे आपकी एटलस वर्टिब्रे है विच इज द सर्वाइकल वर्टिब्रे, और ये एक्सटेंड कहाँ तक होती है? टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द लंबर फर्स्ट वर्टिब्रे, यानी कि L1 वर्टिब्रे तक जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है वो एक्सटेंड हो रही होती है। अब बात करते हैं अबाउट द लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अब हमने देख लिया ये किस चीज से कंटिन्यूशन में आती है, ये कहाँ से कहाँ तक वर्टेब्रल लैंडमार्क्स के बारे में हमने बात कर ली। अब इसकी एक्चुअल लेंथ कितनी होती है? तो अडल्ट मेल में अगर देखा जाए तो इसकी लेंथ जो होती है वो होती है 45 सेंटीमीटर नॉर्मली, और अडल्ट फीमेल में देखा जाए तो उसके अंदर इसकी लेंथ होती है 42 सेंटीमीटर। अब स्पाइनल कॉर्ड की स्टार्टिंग और एंडिंग भी आपको यहाँ पे दिख रही होगी। अब जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है इसका स्टार्टिंग पॉइंट है कहाँ से? तो अगर आपने मेरी प्रीवियस स्लाइड्स अच्छे से सुनी होगी ना, तो आपको ये ध्यान में रहा होगा कि मैंने कहा था जो मेड्यूला ऑब्लोंगाटा है वहां से जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है वो कंटिन्यूशन में निकलती है वहां से, यानी कि मेड्यूला ऑब्लोंगाटा जो है वो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। और ये खत्म कहाँ पे होती है? अब हमने वर्टिब्रे के लेवल पे देखा था कि जो L1 वर्टिब्रे है, लंबर वर्टिब्रे, फर्स्ट लंबर वर्टिब्रे, वहां पे ये खत्म होती है। बट वो तो हमने इसका किया बोनी लैंडमार्क, कि बोनी लैंडमार्क के हिसाब से ये कहाँ खत्म होती है। बट एक्चुअल में स्पाइनल कॉर्ड का जो नीचे वाला टर्मिनल पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं कोनस मेड्यूलारिस, जैसा कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ भी दिख रहा है। तो यानी कि स्टार्ट होती है फ्रॉम मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, और नीचे आते आते ये कहाँ पे टर्मिनेट होती है? एट कोनस मेड्यूलारिस। तो ये दोनों पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। अब ये जो कोनस मेड्यूलारिस है हम इसी के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं।
सो कॉनस मेडुलारिस जो है वो टर्मिनल पार्ट है, बिल्कुल एंड पार्ट है एक स्पाइनल कॉर्ड का, और ये कहाँ पे टर्मिनेट होगा? ओवर द लंबर वर्टिब्रे फर्स्ट। सो इट इज द टेपर मोस्ट डिस्टल एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, जैसा कि हमने अभी देखा ही है। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, दिस इज द कॉनस मेडुलारिस, यहाँ पे दिस पार्ट इज द कॉनस मेडुलारिस। यहाँ पे भी देखो स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पे आपका लंबर वर्टिब्रे है और यहाँ पे आपका कॉनस मेडुलारिस जो है वो स्टार्ट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली इस डायग्राम में देखने को मिल रहा है। और भी पार्ट्स आते हैं इसके, उसके बारे में अब हम पढ़ते हैं आगे। अब नेक्स्ट टर्म जो आती है वो है फाइलम टर्मिनल। अब ये जो फाइलम टर्मिनल होता है ये क्या होता है? डिस्टल एंड होता है ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। देखो अगर आपसे कोई पूछे कि स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पे खत्म हो रही है, तो आपको क्या बोलना है? कॉनस मेडुलारिस पे आके वो टर्मिनेट हो जाती है। बट स्पाइनल कॉर्ड का जो कुछ हिस्सा है वो एक बहुत पतले से कॉर्ड के जैसा दिखने वाला हिस्सा होता है, जो कि बिल्कुल टेपर हो जाता है नीचे आके, उसको हम कहते हैं फाइलम टर्मिनेट। सो बिलो द लेवल ऑफ कॉनस मेडुलारिस ओनली पिया मैटर, दैट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ मेनिंजेस, इज कंटिन्यूड एज अ थिन फाइब्रस कॉर्ड एज फाइलम टर्मिनल। अब देखो ये हम सबको पता है कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो मेनिंजेस से कवर होता है, राइट? तो जो स्पाइनल कॉर्ड भी है ना हमारी, वो मेनिंजेस से कवर होती है। मेनिंजेस की होती है थ्री लेयर्स, पिया मैटर, ड्यूरा मैटर एंड एरेकोनॉइड मैटर। अब ये जो हमारा सीएनएस है ये तीनों लेयर से कवर है, बट जैसे ही स्पाइनल कॉर्ड नीचे आके खत्म होती है ना, तो जो बाहर की दो लेयर्स हैं वो चली जाती हैं। पिया लेयर जो होती है, पिया मैटर, वो होती है इनर मोस्ट लेयर, तो वो कुछ हद तक नीचे तक आ जाती है। तो उसको जहां तक वो नीचे तक आ जाती है उसे हम कहते हैं फाइलम टर्मिनेट, राइट? अब इसकी इमेज देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पे आपको कितना अच्छे से दिखाया हुआ है, यहाँ पे आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो खत्म हो गया है और ये जो पतली सी टेल आ रही है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं फाइलम टर्मिनल। ठीक है, इसके ऊपर था हमारा कॉनस मेडुलारिस जहाँ पे हमारी स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो गई थी, है ना? देख लो आप कितना अच्छे से डायग्राम में दिखाया हुआ है इन्होंने, और यहाँ पे एक पतली सी रूट जा रही है उसे हम कह रहे हैं फाइलम टर्मिनल। तो इन दोनों टर्म्स में आप कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो आता है वो है कॉर्डा इक्वाइना। तो कॉर्डा इक्वाइना का ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है हॉर्स टेल। अब देखो इस तरीके से ये दिखती है, ये इस तरीके का अपीयरेंस देती है जैसे किसी घोड़े की पूंछ होती है ना, वैसा ये दिखती है। तो ये वहां से इसका नाम रखा गया है कॉर्डा इक्वाइना। अब देखो हम उस डायग्राम पे ही वापस जाते हैं। आपने ये देखा कि ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ पे आपका कॉनस मेडुलारिस हुआ और यहाँ पे आपका क्या आ गया? फाइलम टर्मिनल। अब आपने ये देखा कि यहाँ से कुछ ही साइड के स्ट्रक्चर्स हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से ही निकल रहे हैं और ये नीचे नीचे तक आ रहे हैं। तो ये क्या स्ट्रक्चर्स हैं? ये है कॉर्डा इक्वाइना। ओके, तो ये स्पाइनल कॉर्ड से ही अराइज होती है कॉर्डा इक्वाइना भी, और ये ना ये कॉनस मेडुलारिस और फाइलम टर्मिनल को ओवरलैप करके रखती है। यानी कि जैसे अगर आपका ये कॉर्डा इक्वाइना और सॉरी कॉनस मेडुलारिस और फाइलम टर्मिनल है, तो ये जो आपका होता है कॉर्डा इक्वाइना, ये पूरी तरीके से कवर करके रखती है, इसको ओवरलैप होती है इसके ऊपर, राइट? सो डिस्टल टू द फाइलम टर्मिनल इज अ कलेक्शन ऑफ नर्व रूट्स। तो कॉर्डा इक्वाइना क्या होता है? नर्व रूट्स का कलेक्शन। आई एम रियली सॉरी यार ऐसे बीच में आने के लिए, आई नो आप लोगों का कंसंट्रेशन बहुत अच्छा बैठ गया था लेक्चर के ऊपर, बट यार ये देखो ये चीज़ दिखाने के लिए मुझे आपको बीच में रोकना पड़ा। आप लोग मेरे वीडियोस देखते तो हो बट उन्हें सब्सक्राइब नहीं करते हो, देख लो रेशो में कितना फर्क है। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो मेरा वैल्यूएबल लगता है और आपको लगता है कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इसको जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर जिसको भी इस वीडियो की नीड हो उसके साथ प्लीज़ शेयर करो। इससे मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलता है और मेरा भी मन करता है कि मैं आपके लिए ऐसे और अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेके आऊँ। सो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब बटन है उसको जल्दी से प्रेस कर दो। अब चलते हैं फिर से लेक्चर के ऊपर, ध्यान लगा के पढ़ना। ऑल द बेस्ट। एक्शन होता है क्योंकि ऑब्वियसली हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, तो स्पाइनल कॉर्ड से हमारी बहुत सारी नर्व्स निकल रही होती हैं, तो वो एक हॉर्स टेल लाइक अपीयरेंस देती हैं। तो ये कौन कौन सी नर्व्स होती हैं जो यहाँ से निकलती हैं और जिनको हम कॉर्डा इक्वाइना कह रहे हैं? तो ये अराइज होती हैं बोथ राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी से, फ्रॉम L2 टू L5, S1 टू S5 एंड CO1, और ये वर्टिकली, जैसे मैंने आपको बोला कि फाइलम टर्मिनल के आसपास ये पूरा कवर करके रखती है।
तो इसको हम कहते हैं कॉडा इक्वाइना। तो देखो तीन टर्म्स हैं, कॉडा इक्वाइना, फाइलम टर्मिनल एंड कोनस मेडुलारिस। इन तीनों का डिफरेंस आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोग यहीं पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आप ये डायग्राम अच्छे से याद रखोगे तो आपको कोई इसके अंदर कंफ्यूजन नहीं होगा। राइट, आई होप यहां तक आपको सब क्लियर चल रहा होगा। अब बात करेंगे हम फीचर्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड की। स्पाइनल कॉर्ड जो है उसके फीचर्स क्या है। अब देखो जो हमारा वर्टेब्रे होता है ना वो बहुत लंबा होता है। देख रहे हो आप जो वर्टेब्रल कॉलम है हमारा पूरा, हम वो तो बहुत लंबा है। और हमने क्या बोला कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो सिर्फ L1 लेवल तक आके रुक जाती है। आपको यहाँ डायग्राम में भी दिख रहा है ना। तो देखो स्पाइनल कॉर्ड की जो लेंथ है वो बहुत छोटी है, और जो हमारा वर्टेब्रल कॉलम है उसकी लेंथ बहुत बड़ी है ना, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड तो L1 के लेवल पे ही आके रुक गई है हमारी। ठीक है, सो द स्पाइनल कॉर्ड इज मच शॉर्टर देन द लेंथ ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम। तो अगर मैं ये बोलूं कि C1 के सामने C1 ही रहेगा, L1 के सामने L1 ही रहेगा, T12 के सामने T12 स्पाइनल नर्व रहेगी, तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि देखो स्पाइनल नर्व्स तो हमारी वही सारी ही होती हैं, 31 पेयर होते हैं। अब 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व अगर यहाँ से निकल रहे हैं तो वो अलग अलग वर्टेब्रल लेवल पे कॉरेस्पॉन्ड करते हैं। जैसे कि अगर मैं C1 से लेके C7 तक अगर मैं वर्टेब्रल लेवल की बात करूं तो हमारी स्पाइनल सेगमेंट कौन कौन से जाते हैं वहां पे, C1 से लेके C8 तक। यानी कि अगर मैं सिर्फ सर्वाइकल वर्टेब्रे की बात करूं तो उसके अंदर से 8 स्पाइनल नर्व्स निकल रहे हैं। T1 से लेके T6 तक 8 स्पाइनल नर्व निकल रही हैं। T7 से लेके T10 तक 4 स्पाइनल नर्व्स निकल रही हैं। T10 से T11 तक लेकर L1 से L5 तक की स्पाइनल नर्व्स निकल रही हैं, और T12 से लेके L1 तक हमारी S1 से CO1 तक की स्पाइनल नर्व्स पास आउट हो रही हैं। यानी कि देख रहे हो आप यहाँ पे इस टेबल के अंदर कि हमारा C1 से लेके L1 तक ही है वर्टेब्रल लेवल, बट जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उसमें जो स्पाइनल नर्व्स निकल रही हैं वो C1 से लेके CO1 तक आ रही हैं। तो लेवल मैच नहीं कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड छोटी है और वर्टेब्रा हमारी बड़ी है, फिर भी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें से 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स हमारे पूरे निकल जाते हैं। अब आते हैं इसी पे, सो द स्पाइनल सेगमेंट्स डू नॉट लाई अपोजिट टू द कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेब्रा। तो ये चीज नहीं होती कि अगर लंबर का वर्टेब्रा है तो लंबर की स्पाइनल नर्व्स लंबर से निकलेंगी, सेक्रम का है तो सेक्रम के आगे से आपकी स्पाइनल सेक्रम स्पाइनल नर्व्स निकलेंगी, ऐसा नहीं होता। तो ये एकदम से एकदम साथ साथ नहीं होते, हमेशा ऊपर ऊपर होते हैं, क्योंकि L1 पे तो हमारी स्पाइनल कॉर्ड खत्म ही हो जाती है। सो अ वर्टेब्रल स्पाइन इज ऑलवेज लोअर देन द कॉरेस्पॉन्डिंग स्पाइनल सेगमेंट। तो आप ये वाला जो टेबल है इसको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये आपका क्लिनिकल एनाटॉमी में बहुत यूजफुल होता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द मेनिंजियल कवरिंग। अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था जब हम फाइलम टर्मिनल की बात कर रहे थे कि जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है इट इज कवर्ड विद मेनिंजेस। ओके, तो हमारी 3 मेनिंजेस होती हैं, पिया मैटर, एडेनोइड मैटर एंड ड्यूरा मैटर। पिया मैटर जो होती है वो बिल्कुल इनर मोस्ट होती है, आपको यहाँ पे इस डायग्राम में भी दिख रहा है। एडेनोइड जो होती है वो बीच की होती है, और ड्यूरा जो होती है वो सबसे बाहर की लेयर होती है। तो ये 3 मेनिंजेस की कवरिंग होती है जो कि हमारे ब्रेन को एज वेल एज स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करके रखती है। राइट, अब देखो इस का आप ध्यान से देखना, जो पिया मैटर है और एरेकनोइड मैटर है और ड्यूरा मैटर है, हमने बोला कि हमारे पास ये 3 लेयर होती है, सबने सबको दिया भगवान ने। ठीक है, अब पिया मैटर और एरेकनोइड मैटर के बीच की जो जगह है, बीच का जो स्पेस है इन दोनों लेयर्स के बीच का, उसे हम कहते हैं सब एरेकनोइड स्पेस। ठीक है, यानी कि एरेकनोइड मैटर के नीचे का जो स्पेस है, सब एरेकनोइड स्पेस, ये होगा जो पिया और एरेकनोइड मैटर के बीच में होगा। ये स्पेस क्यों जरूरी है, क्योंकि ये स्पेस जो है ये कंटेन करता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, दैट इज CSF। वहीं अगर मैं बात करूं एरेकनोइड मैटर और ड्यूरा मैटर के बीच में जब जगह होती है, आई एम रियली सॉरी यार ऐसे बीच में आने के लिए, आई नो आप लोगों का कंसेंट्रेशन बहुत अच्छा बैठ गया था लेक्चर के ऊपर, बट यार ये देखो
ये चीज दिखाने के लिए मुझे आपको बीच में रोकना पड़ा। आप लोग मेरे वीडियोस देखते तो हो पर मुझे सब्सक्राइब नहीं करते हो। देख लो रेशो में कितना फर्क है। तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो मेरा वैल्यूएबल लगता है और आपको लगता है कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इसको जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर जिसको भी इस वीडियो की नीड हो उसके साथ प्लीज शेयर करो। इससे मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलता है और मेरा भी मन करता है कि मैं आपके लिए ऐसे और अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊँ। सो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब बटन है उसको जल्दी से प्रेस कर दो। अब चलते हैं फिर से लेक्चर के ऊपर, ध्यान लगा के पढ़ना। ऑल द बेस्ट। है उसे हम कहते हैं सबड्यूरल स्पेस, यानी कि मेनिंजेस हमारी तीन है, पिया मैटर, एरिकनॉइड मैटर एंड ड्यूरा मैटर। पिया और एरिकनॉइड के बीच की स्पेस को कहते हैं सब एरिकनॉइड स्पेस। इसके अंदर होता है CSF। एरिकनॉइड और ड्यूरा के बीच में होता है हमारा सबड्यूरल स्पेस। अब देखो यहाँ पे भी एग्जाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ क्वेश्चन आता है कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है वो कौन सी स्पेस में होता है, सबड्यूरल, एपिड्यूरल या सब एरिकनॉइड स्पेस में। तो यहाँ पे भी बच्चे बहुत कंफ्यूज आते हैं, बट ये आप इस स्लाइड को ना अपने एकदम दिमाग में छाप लो तो आपको याद हो जाएगा कि सब एरिकनॉइड स्पेस में आपका CSF होता है। अब बात करते हैं एनलार्जमेंट्स की। तो देखो जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है ना वो कहीं से थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, कहीं से स्लिम रहता है, फिर कहीं से मोटा हो जाता है, ठीक है। तो दो जगह से मोटा होता है ये, एक तो होता है सर्वाइकल वाले एरिया से और एक होता है लंबर वाले एरिया से। यानी कि ये दो एनलार्जमेंट्स होती हैं स्पाइनल कॉर्ड की, एक सर्वाइकल लेवल पे और एक लंबर लेवल पे। तो सर्वाइकल लेवल पे एनलार्जमेंट क्यों होती है, ताकि वो हमारी अपर लिम्स को सप्लाई कर सके, ठीक है, क्योंकि सर्वाइकल वाले हिस्से पे ब्रेकियल प्लेक्सस होता है, ठीक है। लंबर वाले हिस्से पे आपका लंबोसेक्रल प्लेक्सस आपको देखने को मिलता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इतना सारा मस्कुलेचर होता है, नीचे लोअर लिम्ब होते हैं, ऊपर यू हैव अपर लिम्ब्स, तो इतने सारे मस्कुलेचर को सप्लाई करने के लिए भी तो नर्व्स चाहिए ना ज्यादा, तो यहाँ पे आपको एनलार्जमेंट देखने को मिलती है। तो सर्वाइकल एनलार्जमेंट किस लिए होती है, ताकि आपके जो अपर लिम है, आपके जो हाथ है, उनको सप्लाई मिल सके। ये कहाँ से एक्सटेंड होता है, फ्रॉम C4 टू T1 स्पाइनल सेगमेंट। इन्हीं स्पाइनल सेगमेंट से आपका बनता है ब्रेकियल प्लेक्सस, उसके बारे में हम डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे, बट अभी हाल फिलहाल ये समझ लो C4 से T1 आपका ब्रेकियल प्लेक्सस होता है। इट हैज मैक्सिमम डायमीटर ऑफ 38 mm एट लेवल ऑफ C6 सेगमेंट। यानी कि अगर आप C6 वर्टिब्रा का सेगमेंट लोगे स्पाइनल कॉर्ड का, तो वहां पे आपको 38 mm तक का डिस्टेंस डायमीटर दिखेगा उसका। अब आ जाते हैं लंबर एनलार्जमेंट के ऊपर। तो अब लंबर स्पाइन में अगर एनलार्जमेंट हो रहा है तो वो किसको सप्लाई करेगा, हमारी लोअर लिम्स को। और इसका लेवल कहाँ से कहाँ तक होता है, L2 से लेके S3 सेगमेंट तक। और इसका कितना मैक्सिमम डायमीटर हो जाता है, 35 mm, कहाँ पे, एट द S1 सेगमेंट। तो ये पूरे डायग्राम से आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे ये सर्वाइकल और लंबर एनलार्जमेंट होता है और क्यों होता है, राइट। देख लो आप यहाँ पे देखो इस वाले डायग्राम में बहुत ब्यूटीफुली शो किया गया है। देखो यहाँ से बीच में पूरी पतली है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, यहाँ से थोड़ी एनलार्जमेंट दिख रही है इसके अंदर और एक यहाँ से इसकी एनलार्जमेंट दिख रही है। तो ये इसीलिए होती है ताकि आपका जो मस्कुलेचर है उसको सप्लाई कर सके। सो वॉट इज द नीड ऑफ एनलार्जमेंट, सो द मसल्स ऑफ द लिम आर सप्लाइड बाय द न्यूरॉन्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ऑब्वियसली हमारी बॉडी में जितनी भी मसल्स हैं वो किससे सप्लाई होंगी, बाय स्पाइनल कॉर्ड। सो स्पाइनल कॉर्ड एट अप्रोप्रिएट लेवल्स फॉर्म एनलार्जमेंट्स टू बी एबल टू सप्लाई इंक्रीज मस्कुलेचर। तो ये चीज हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ पे मैंने इसको फ्रेम करके लिख दिया है, राइट। तो अब तक हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़े, बहुत सारी चीजों के बारे में हमने बात करी, तो अब हम एक क्विक रिविजन करते हैं, ठीक है। क्विक रिवीजन में आपको मैंने 4 ऑप्शंस दिए हैं और आपको एक अपना एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है और कमेंट में मुझे आंसर बताना है आपने। सो द स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड्स सुपीरियरली फ्रॉम मिडब्रेन, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा और बेसल गैंग्लिया। जल्दी से अपना आंसर नीचे कमेंट्स में मुझे बता दो कि किसका सही है किसका गलत है, ये मैं आपको बता दूंगी कमेंट्स के द्वारा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेस बिटवीन पिया एंड एरिकनॉइड मैटर इज कॉल्ड सबड्यूरल स्पेस, इंटरस्टीशियम, इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स एंड दी सब एरिकनॉइड स्पेस। जल्दी से कमेंट कर दो इसका क्या आंसर है। स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड्स अप टू L1 वर्टिब्रे, T12 वर्टिब्रे, L6 वर्टिब्रे और S1 वर्टिब्रे। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं ये सारे, आई होप आपको आ ही गए होंगे इनके आंसर अगर आपने यहाँ तक वीडियो बहुत अच्छे से सुना है। तो जल्दी से सबका आंसर कमेंट्स में मुझे बताओ। क्रॉस सेक्शन ऑफ अ स्पाइनल कॉर्ड, तो ये जो आप इमेज देख रहे हो, ये जो प्यारी सी इमेज आपको दिख रही है यहाँ पे, दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ स्पाइनल कॉर्ड। अगर आपकी स्पाइनल
अगर ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है और अगर इसको आप यहाँ बीच में से काट देते हो और फिर ये जो हिस्सा आएगा कटा हुआ हिस्सा, उसको जब आप इस तरीके से देखोगे वो है आपका क्रॉस सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, राइट। तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, ये पोस्टीरियर यानी कि पीछे वाला हिस्सा है, एंटीरियर आगे वाला हिस्सा है। तो ये सारी लेबलिंग्स हैं जो कि हमें क्रॉस सेक्शन देखने पे मिलती है ऑफ अ स्पाइनल कॉर्ड, राइट। अब इनके बारे में एक एक करके हम बात करते हैं। तो क्रॉस सेक्शन ऑफ अ स्पाइनल कॉर्ड को हम पढ़ेंगे दो फीचर्स में, एक है एक्सटर्नल फीचर्स और एक है इंटरनल फीचर्स। एक्सटर्नली क्या होता है इसमें, एंटीरियर मीडियन फिशर होता है और पोस्टीरियर मीडियन सल्कस होता है। चलो इसका डायग्राम से समझते हैं। पहले देखो, ये एंटीरियर पार्ट है, तो एंटीरियरली आपको यहाँ पे एक फिशर दिखाई दे रहा है, एक चीज दिखाई दे रही है जो इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। दिस इज द एंटीरियर मीडियन फिशर। और पीछे से भी वी हैव अ पोस्टीरियर मीडियन सेप्टम। सो एंटीरियर मीडियन फिशर क्या होता है, तो ये एक डीप मिड लाइन होती है ओवर द एंटीरियर स्पाइनल कॉर्ड, एक ग्रूव बन जाती है, एक गड्ढा सा बन जाता है एंटीरियरली। ये किसके लिए होता है, ताकि यहाँ पे जो हमारी एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी आती है उसको जगह मिल सके, वो यहाँ पे आके प्लेस होती है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड का भी तो ब्लड सप्लाई होता है ना, तो वो एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी को यहाँ से जगह दी जाती है। फिर आता है हमारा पोस्टीरियर मीडियन सर्कस। तो ये एक ग्रूव होता है जो कि पोस्टीरियरली प्लेस होता है। अगर स्पाइनल कॉर्ड है तो उसके पीछे वाले हिस्से में आपको देखने को मिलता है, इसलिए इसके नाम में पोस्टीरियर आता है। इट रन्स इन द डेप्थ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, और ये अंदर तक उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। देख लो आप यहाँ पे डायग्राम, ये हम पहले ही देख चुके हैं। फिर आता है आपका पोस्टेरोलेटरल एंड द एंटेरोलेटरल सल्कस। तो इसका भी मैं पहले डायग्राम दिखा देती हूँ। यहाँ पे होता है आपका ये वाला जो हिस्सा है, इसे हम कहते हैं पोस्टेरोलेटरल सल्कस, यानी कि ये पोस्टीरियरली है और लेटरली है, पीछे की तरफ है और बाहर की तरफ है, इसलिए इसका नाम पोस्टेरोलेटरल है। एंटेरोलेटरल आगे की तरफ है और बाहर की तरफ है। लेटरल का मतलब होता है बाहर, टूवर्ड्स आउटसाइड। एंटीरो का मतलब होता है एंटीरियरली, आगे की तरफ। तो इस हिसाब से इन सल्कस के नाम है बेस्ड अपॉन देयर पोजिशन। सो पोस्टेरोलेटरल सल्कस क्या होता है, अ डिप्रेशन प्रेजेंट अलोंग द डोर्सल एंड लेटरल सरफेस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। और यहाँ से क्या होता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है इस सल्कस का, कि जो आपकी सेंसरी नर्व रूट है वो यहाँ से एंटर करती है स्पाइनल कॉर्ड को, पीछे की तरफ से, पोस्टेरोलेटरल सल्कस के थ्रू। और एंटेरोलेटरल सल्कस में क्या होता है, कि जो आपकी मोटर नर्व रूट है वो यहाँ से बाहर आती है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में जब अंदर जाती है नर्व, सेंसरी नर्व, वो जाती है फ्रॉम द पोस्टेरोलेटरल सल्कस, और बाहर जो मोटर नर्व आती है वो आती है फ्रॉम द एंटेरोलेटरल सल्कस। ठीक है, ये डायग्राम भी आपको क्लियर हो जाएगा। देखो जो डायग्राम से जितना तुम याद करोगे ना, जितना अच्छे से डायग्राम से पढ़ोगे उतना अच्छा तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा एनाटॉमी का। जो तुम डायग्राम ही याद रखो और ये किस तरीके से इनको नाम दिए गए हैं उसको याद रखो, तो तुम्हें ज्यादा रट्टे मारने की जरूरत पड़ेगी नहीं इसमें। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके इंटरनल फीचर्स के, कि इंटरनल फीचर्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। सो इंटरनल फीचर्स में स्पाइनल कॉर्ड में तीन चीजें होती हैं, ग्रे मैटर होता है, व्हाइट मैटर होता है और एक सेंट्रल कैनाल होता है। ग्रे मैटर जो होता है वो इनसाइड होता है, व्हाइट मैटर आपका आउटसाइड होता है, और जो सेंट्रल कैनाल है वो बिल्कुल बीचों बीच होता है स्पाइनल कॉर्ड के। देखो ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है सारा, ये है व्हाइट मैटर, दिखना ना यहाँ पे सारा व्हाइट व्हाइट, ये हिस्सा पूरा, दिस इज द व्हाइट मैटर, व्हाइट कलर से है। और जो बीच में ये स्ट्रक्चर दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे, ये है आपका ग्रे मैटर। ठीक है, और बीच में ये जो डॉट है ये है आपका सेंट्रल कैनाल। नाउ व्हाइट मैटर, अब ये व्हाइट मैटर होता क्या है, व्हाइट मैटर किस चीज से बनता है, सो दीज आर फॉर्म्ड बाय द एक्सॉन्स। कौन से एक्सॉन्स, जिन पे मायोलिन शीट होती है, तो वो बनाते हैं आपका व्हाइट मैटर, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड का वो हिस्सा जहां पे आपको एक्सॉन्स मिलते हैं वो है आपका व्हाइट मैटर। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, आपके ट्रैक्ट्स होते हैं, ये पढ़ेंगे हम आगे ट्रैक्ट्स क्या होता है, अभी के लिए ये समझ लो यहाँ पे ट्रैक्ट्स होते हैं। ट्रैक्ट्स का क्या काम होता है, कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है बॉडी की, सेंसरी इंफॉर्मेशन और मोटर इंफॉर्मेशन, उनको ऊपर लेके जाना और ऊपर से नीचे लेके आना, यानी कि एक रोड का काम करते हैं ये। जैसे रोड पे हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी कभी मैं लखनऊ से लेके जाती हूँ पंजाब, पंजाब से राजस्थान, राजस्थान से हरियाणा,
राइट। तो ऐसे ही ये ट्रैक्स का काम होता है कि मेरे को लोअर लिम्ब से इन्फॉर्मेशन अपर लिम्ब तक लेके गई, अपर लिम्ब से फिर ब्रेन में लेके गई, ब्रेन से फिर मैं वापस नीचे इन्फॉर्मेशन लेके आई। तो ये काम कौन करता है? ये काम वाइट मैटर में होता है। वाइट मैटर नहीं होगा तो ये काम इन्फॉर्मेशन कन्वे अच्छे से नहीं हो पाएगी, हो ही नहीं पाएगी। ठीक है, तो ये काम है हमारे वाइट मैटर का। अब देखो, वाइट मैटर जो है उसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फ्यूनिकुलस, व्हाइट मैटर की जो डिविजन्स होती हैं उनको हम कहते हैं फ्यूनिकुलस। तो हमारे पास तीन फ्यूनिकुलस होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल फ्यूनिकुलस। एंटीरियर फ्यूनिकुलस होता है, देखो मैं इमेज दिखा देती हूँ पहले आपको। देखो ये हमारा फिशर था जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, एंटीरियर मीडियन फिशर। ये है हमारा पोस्टीरियर मीडियन सेप्टम, ठीक है। ये था हमारा पोस्टेरोलेटरल सल्कस और ये था हमारा एंटेरोलेटरल सल्कस। अब देखो ये है हमारा एंटीरियर फ्यूनिकुलस। अब ये जो एंटीरियर फ्यूनिकुलस है, अगर ध्यान से देखोगे तो ये किस किस चीज के बीच में आ रहा है? एंटीरियर मीडियन फिशर के बीच में और एंटेरोलेटरल सल्कस के बीच में। यानी कि इन दोनों के बीच में जो ये जगह है इसको हम क्या कह रहे हैं? एंटीरियर फ्यूनिकुलस, ठीक है। अब जो पोस्टेरोलेटरल सल्कस और एंटेरोलेटरल सल्कस के बीच की जगह है वो क्या हुई हमारा? लेटरल फ्यूनिकुलस। यानी कि द व्हाइट मैटर विच इज प्रेजेंट बिटवीन द पोस्टेरोलेटरल एंड एंटेरोलेटरल सल्कस इज द लेटरल फ्यूनिकुलस। फिर आ जाते हैं हम अपने सबसे लास्ट फ्यूनिकुलस पे, दैट इज द पोस्टीरियर फ्यूनिकुलस। तो पोस्टीरियर मीडियन सेप्टम और पोस्टेरोलेटरल सल्कस के बीच का जो व्हाइट मैटर है उसे हम कहते हैं पोस्टीरियर फ्यूनिकुलस, ठीक है। तो बेस्ड अपॉन द सल्कस, द सेप्टम एंड द फिशर्स, उनके बीच बीच में जो व्हाइट मैटर आ रहा है उसे हमने नाम दिया है फ्यूनिकुलस। तो यहाँ पे मैंने वही सारी बातें लिखी है जो मैंने अभी आपको डायग्राम के थ्रू समझाई। तो ये सारा थ्योरी मटेरियल है, ये आप पढ़ लेना, वही सारी बातें हैं जो मैंने अभी इस डायग्राम को देख के आपको बोली है, ठीक है। डायग्राम से जितना पढ़ोगे बच्चों उतना अच्छे से तुम्हें ये सारी चीजें याद रहेंगी, ठीक है। सो द फ्यूनिकुलस कंसिस्ट ऑफ असेंडिंग ट्रैक्ट्स एंड डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो ये वही चीजें हैं जैसे मैंने आपको बताया कि जो रोड होती है, जो रास्ता होता है जिससे आप जाते हो एक जगह से दूसरी जगह पर, वो हमारी बॉडी में क्या होते हैं? ट्रैक्ट्स होते हैं। जैसे हाईवेज होते हैं ना जो एक जगह को दूसरी जगह से कनेक्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े हाईवेज। तो ये जो ट्रैक्ट्स होते हैं ये हमारी बॉडी के हाईवेज होते हैं, एक पार्ट को दूसरे पार्ट से ज्वाइन करते हैं ताकि दोनों पार्ट्स के बीच की जो इंफॉर्मेशन है वो अच्छे से ट्रैवल हो सके। अब देखो कुछ इन्फॉर्मेशन जो होती है वो हमारी बॉडी से हमारे ब्रेन तक जाती है और कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो कि हमारे ब्रेन से हमारी बॉडी तक आती है। तो यानी कि जब इन्फॉर्मेशन हमारी बॉडी से ब्रेन तक जा रही है तो वो ऊपर की तरफ जा रही है ना। क्योंकि हम मैंने हाथ में पेन पकड़ा तो पेन मैंने पकड़ा, ये इन्फॉर्मेशन ऊपर गई कि हाँ मेरी ग्रिप बहुत स्ट्रांग है, मैं लिख सकती हूँ। अगर मैं ढीला पकड़ूंगी तो पेन गिर जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ? इन्फॉर्मेशन ऊपर गई, असेंडिंग ट्रैक्स ने काम किया। असेंडिंग क्यों? क्योंकि इन्फॉर्मेशन ऊपर जा रही है। अब पेन नीचे गिर गया, अब मेरे दिमाग को पता चला पेन नीचे गिर गया, तो मेरे को ब्रेन क्या कमांड देगा मेरे हाथों को कि झुको और पेन उठा लो। तो यानी कि ब्रेन से इन्फॉर्मेशन कहाँ गई? नीचे मेरे हाथों तक कि पेन उठाओ अब तुम। तो वो क्या हुआ? डिसेंडिंग ट्रैक्ट हुआ जो ये इन्फॉर्मेशन वापस लेके आया और अब मैं पेन उठा लूंगी, ठीक है। तो इसलिए कुछ ट्रैक्ट्स होते हैं जो असेंडिंग ट्रैक्ट्स होते हैं, कुछ ट्रैक्ट्स होते हैं जो डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है। देखो असेंडिंग ट्रैक्ट्स कौन कौन से होते हैं हमारे? स्पाइनोथैलमिक, स्पाइनोसेरिबेलर, स्पाइनो ओलिवरी, स्पाइनोट्रैक्टर। डिसेंडिंग में कौन कौन से होते हैं? कॉर्टिकोस्पाइनल, रूब्रोस्पाइनल, रेटिकुलोस्पाइनल, ओलिवो वेस्टिबुलो टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट्स। अब इनके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे दूसरी वीडियो में, यहाँ पे बस ये समझ लो ये ट्रैक्ट्स होते हैं, ये पाथवेज होते हैं। डिटेल में जाऊंगे तो ये वीडियो कम से कम 1.5-2 घंटे की खिंच जाएगी बड़े आराम से, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा नहीं जाते, ब्रीफ ब्रीफ स्पाइनल कॉर्ड का पढ़ते हैं हम, ट्रैक्ट्स पे अभी इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। अब देखो कुछ टर्म्स मैंने आपको कहा था ये बहुत बेसिक टर्म्स हैं जिनमें ना कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, फ्यूनिकुलस, फेसिकुलस, ट्रैक्स, पाथवे, क्योंकि कई बुक्स में ना इनको बहुत सिनोनिमसली यूज किया जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्यूनिकुलस क्या होता है, फ्यूनिकुलस बोले या ट्रैक बोले या फेसिकुलस बोले, एक चीज है या अलग अलग चीज है। तो इस लाइन को पढ़ते आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, राइट। तो सबसे पहले फ्यूनिकुलस, तो फ्यूनिकुलस इज अ मॉर्फोलॉजिकल टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ लार्ज ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर्स
लोकेटेड इन अ गिवन एरिया, एग्जाम्पल पोस्टीरियर फ्यूनिकुलस। यानी कि जब बहुत सारे नर्व फाइबर्स एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं फ्यूनिकुलस, राइट। जैसे कि हमने बोला पोस्टीरियर फ्यूनिकुलस, एंटीरियर फ्यूनिकुलस, लेटरल फ्यूनिकुलस। लेटरल फ्यूनिकुलस क्या था, जो कि पोस्टेरोलेटरल और एंटेरोलेटरल फिशर के बीच में प्रेजेंट था, तो यानी कि वो हिस्से को हमने दे दिया नाम लेटरल फ्यूनिकुलस। तो यानी कि एक टर्म है जो डिस्क्राइब करती है जब बहुत सारे नर्व फाइबर्स एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, दैट इज फ्यूनिकुलस। अब फेसिकुलस क्या होता है, हमने अभी पढ़ा फ्यूनिकुलस के बारे में। जब आपके बहुत सारे नर्व फाइबर्स एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं दैट इज कॉल्ड फ्यूनिकुलस। फेसिकुलस क्या होता है, उसके अंदर से कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ नर्व्स ऐसे हैं जो कॉमन चीजें शेयर कर रहे हैं, उसे हम कह देते हैं फेसिकुलस। यानी कि इतना है हमारा फ्यूनिकुलस और इसमें से एक कुछ चीजें, कुछ फाइबर्स, नर्व फाइबर्स ऐसे हैं जिनका सिमिलर फीचर्स हैं, कॉमन फीचर्स हैं, उन्हें हम कह देते हैं फेसिकुलस। एग्जाम्पल फेसिकुलस प्रोप्रियस। अब ट्रैक का क्या मतलब होता है, जैसे हमने अभी पढ़ा असेंडिंग ट्रैक्स, डिसेंडिंग ट्रैक्स, तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्स क्या होते हैं, तो बेसिकली व्हाट इज अ ट्रैक, तो ट्रैक्स क्या होते हैं, ये नर्व फाइबर्स होते हैं जिनका सेम ओरिजिन होता है। ये सारे नर्व फाइबर्स जो होते हैं वो एक जगह से ओरिजिन लेते हैं, एक जगह पे एंड होते हैं, इनका स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम होता है, एंडिंग पॉइंट भी सेम होता है और फंक्शन भी सेम होता है। तो जब कुछ नर्व फाइबर्स जिनकी ये तीनों चीजें सेम होती हैं, स्टार्टिंग, एंडिंग एंड द वर्क, द फंक्शन दे आर परफॉर्मिंग, जब सेम हो जाता है उसे हम कहते हैं ट्रैक्ट। ठीक है, अब समझ आया फ्यूनिकुलस, फेसिकुलस और ट्रैक्ट्स कैसे अलग है एक दूसरे से। ट्रैक्ट एग्जाम्पल हो गया असेंडिंग या डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स, कुछ भी। ठीक है, फिर एक टर्म आती है पाथवे। तो पाथवे क्या होता है, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जो भी चीजें रास्ते में आई हैं वो हो गया आपका पाथवे। अब यहाँ पे ना कंफ्यूजन आ जाता है कि ट्रैक और पाथवे में फर्क क्या है। देखो ट्रैक में हमने क्या बोला कि नर्व फाइबर्स हैं जिनका सेम ओरिजिन है, सेम डेस्टिनेशन है और सेम फंक्शन है, जो कि ये तीनों चीजें जिनमें साथ में है उन्हें हम कहते हैं ट्रैक। पाथवे में क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नॉर्मल लाइफ आपको बताऊं कि अगर आपको फॉर सपोज आपको जाना है मुंबई से चंडीगढ़, ठीक है, आपको ये रास्ता करना है ट्रैवल, ठीक है, तो आप जिस हाईवे से जा रहे हो, जिस रोड से जा रहे हो गया आपका ट्रैक। ठीक है, पाथवे क्या हुआ कि आप कौन सी गाड़ी ले रहे हो, फिर आप कितना रास्ता बस से करोगे, कितना रास्ता ट्रेन से करोगे, पूरी मतलब सारी जो चीजें हैं वो आ जाती हैं आपके पाथवे पे। ठीक है, तो ऐसे रिलेट करो कि जो सिर्फ सड़कों का रास्ता है वो हो गया आपका ट्रैक, जिसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्स आ जाते हैं आपके। पाथवे में क्या हो गया, उसमें जितने भी न्यूक्लियाई इन्वॉल्व हो रहे हैं, जितने भी ट्रैक्स रिस्पॉन्सिबल है एक चीज को करने के लिए, जितने जितने सारे फीचर्स, जितने जितने सारी चीजें इन्वॉल्व हो रही है, वो सारी आपकी आ जाती हैं पाथवे में। तो पाथवे और ट्रैक को लोग बहुत सिनोनिमसली यूज भी कर लेते हैं, बट ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। तो आई होप इस वाली स्लाइड से आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, इन चारों शब्द का अर्थ आपको समझ आ गया होगा। अगर इनका आपको अच्छे से मीनिंग समझ आ गया और आपको यहाँ तक ये वीडियो आप देख रहे हो और आपको मेरी पढ़ाई भी बात समझ आ रही है, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक लाइक भी दे दो, और मुझे कमेंट्स में बताना अगर आपको कुछ और भी टॉपिक पढ़ना हो या फिर कुछ आपको लगता है मुझे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है अपने वे ऑफ टीचिंग में, तो वो भी ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना। चलो अब आगे बढ़ते हैं ग्रे मैटर के ऊपर। तो अभी हमने पढ़ा, देखो हमने क्या पढ़ा था, क्रॉस सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, उसमें हमने एक्सटर्नल फीचर्स पढ़े, फिर हम आए थे इंटरनल फीचर्स में। इंटरनल फीचर्स में हमने अब तक अपना व्हाइट मैटर खत्म कर लिया है, अब हम आ गए हैं ग्रे मैटर के ऊपर। तो हमने ग्रे मैटर के लिए क्या कहा था कि जो बीच का हिस्सा होता है स्पाइनल कॉर्ड का, उसे हम कहते हैं ग्रे मैटर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं यहां तक। तो अब ग्रे मैटर के अंदर क्या चीजें होती हैं, तो ग्रे मैटर के अंदर होती है हमारी सेल बॉडी एंड डेंड्राइट्स। ओके, इट इज द साइट ऑफ साइनेप्टिक ट्रांसमिशन, क्योंकि ऑब्वियसली जहां पे सेल बॉडी होगी, जहां डेंड्राइट्स होगा, वहीं पे तो इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होगा। सो इट इज अ साइट ऑफ साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। अभी साइनेप्टिक ट्रांसमिशन होता कैसे है उसके लिए भी मैंने इन डिटेल एक वीडियो बना रखा है, ये वो वीडियो है, जाके इस वीडियो को ये वाला लेक्चर सुनने के बाद ये देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में भी ये वीडियो आपका लिंक दे दूंगी, तो आप ये चीज को भी अच्छे से वहां समझ पाओगे। ओके नाउ, अब जो ग्रे मैटर होता है ये एच शेप्ड स्ट्रक्चर होता है या फिर एक बटरफ्लाई शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। देखो
यहाँ पे हम देखते हैं, देखो ये बीच का हिस्सा दिख रहा है बटरफ्लाई जैसा, दिस इज द ग्रे मैटर। और ये जो राइट और लेफ्ट साइड का ग्रे मैटर होता है ये किससे जुड़ा हुआ होता है, बाय अ ग्रे कमिश्चर। तो ये जो ग्रे कमिश्चर होता है ये दोनों राइट और लेफ्ट साइड के ग्रे मैटर को आपस में जोड़ता है, ठीक है। अब देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है हमारी बॉडी के अंदर, अब हमें ये पता है कि जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वो एटलस वर्टिब्रे से L1 वर्टिब्रे तक एक्सटेंड होती है। कॉमन स्ट्रक्चर सारी जो पूरी स्पाइनल कॉर्ड है उसका सेम रहता है, ठीक है। उसमें व्हाइट मैटर होगा, उसमें ग्रे मैटर होगा और बीच में एक सेंट्रल कैनाल होगा, फेशियर्स होंगे, सेप्टम होंगे, फेसिकुलर्स होंगे, ट्रैक्स होंगे, ये पूरी स्पाइनल कॉर्ड में ऊपर से नीचे तक रहता है। बट जो ग्रे मैटर है ना उसका साइज और उसका जो शेप है वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड में वेरी करता है। अब देखो इस इमेज में ही देख लो जो मेरे पीछे आ गया है, यहाँ पे सर्वाइकल स्पाइन का जो ग्रे मैटर है वो बहुत छोटा सा है। आगे बढ़ोगे थोरैसिक वाले में तो थोरैसिक वाले का थोड़ा सा बड़ा है ग्रे मैटर, जो बटरफ्लाई की शेप आ रही है वो थोड़ी बड़ी है। एंड में चले जाओगे सेक्रल मैटर में तो सेक्रल मैटर का जो ग्रे हिस्सा है, ग्रे पार्ट है, वो बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा है, व्हाइट कम दिख रहा है। सर्वाइकल में व्हाइट ज्यादा है, सेक्रल में तो व्हाइट बहुत ही कम है, ग्रे ज्यादा है, ठीक है। तो अब ऐसा क्यों होता है? अब देखो हमने बात करी थी कि व्हाइट मैटर के अंदर होते हैं हमारे ट्रैक्स, ओके, असेंडिंग ट्रैक्स और डिसेंडिंग ट्रैक्स, जो कि इंफॉर्मेशन कैरी करके लेके जाते हैं। जो हमारा सेक्रल या लंबर वाला पार्ट होता है ना बच्चों, वहां पे हमारा सिर्फ लोअर बॉडी का मस्कुलेचर का इंफॉर्मेशन आती है, तो वहां पे ट्रैक्स की जो मात्रा है वो कम होती है। ट्रैक्स कहाँ पे होते हैं? व्हाइट मैटर के अंदर। ग्रे मैटर के अंदर ट्रैक्स नहीं होते, व्हाइट मैटर के अंदर ट्रैक्स होते हैं। अभी समझो एक इंडिविजुअल है, लोअर लिम है उसका, ठीक है, दो पैर। अब मुझे दो पैर की इंफॉर्मेशन देनी है सिर्फ, ठीक है, सेक्रल और लंबर वाले पार्ट को, तो मुझे इतना व्हाइट मैटर नहीं चाहिए, थोड़े में मेरा काम हो जाएगा। अब जैसे जैसे बॉडी ऊपर की तरफ आती है तो मेरा ट्रंक भी है, स्टमक भी है, अपर लिम भी है, तो ये सारी चीजों के लिए मुझे और इन्फॉर्मेशन ऊपर देनी है ना, और नीचे से भी जो इन्फॉर्मेशन कैरी ऑन हो रही है वो तो है ही, जो पैरों से इंफॉर्मेशन आ रही है वो तो जा ही रही है ऊपर, साथ साथ जो हाथ, जो मेरे पैर, जो हाथ है उनकी भी इंफॉर्मेशन जा रही है, बीच में पीछे ट्रंक है, बैक है, उनकी भी इंफॉर्मेशन जा रही है, प्लस जो नीचे से आ रही थी वो भी आ रही है। तो व्हाइट मैटर का जो अपर स्पाइनल कॉर्ड होती है, इसीलिए वहां पे जो व्हाइट मैटर होता है वो ज्यादा होता है और ग्रे मैटर वहां पे कम हो जाता है, ठीक है। आई होप मैं तुम्हें समझा पाई हूँ और तुम समझ पाओगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इस बात में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, ऐसे समझ के पढ़ोगे तो तुम्हें चीजें ये याद रहेंगी, ठीक है। तो अगर कोई भी पूछता है कि ग्रे मैटर नीचे ज्यादा क्यों होता है या फिर व्हाइट मैटर ऊपर ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि एग्जामिनर ना किसी भी तरीके से तुम्हें क्वेश्चन फ्रेम करके दे सकता है, तो अगर लॉजिक पता होगा, रट्टे नहीं मारे हो गया, तो आसानी से इसका जवाब दे दोगे। अब ये चीज जो मैं तुम्हें अभी समझाई है ना, ये तुम्हें ज्यादा क्लियर तब होगी जब हम ट्रैक्स पढ़ेंगे, असेंडिंग ट्रैक्स, डिसेंडिंग ट्रैक्स, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन तुम याद रखना, फिर डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। देखो सर्वाइकल के अंदर कितना सारा व्हाइट मैटर हमें देखने को मिल रहा है, थोरैसिक का बिल्कुल अलग है, लंबर का अलग है, सेक्रम में देखो ग्रे मैटर फिर से बढ़ गया, कॉकेजिनल में तो ग्रे मैटर बहुत ज्यादा है। तो इसका रीजन अब हम समझ गए क्यों ज्यादा होता है ग्रे मैटर लोअर स्पाइन में और अपर स्पाइन में व्हाइट मैटर क्यों ज्यादा होता है। सो नाउ ग्रे मैटर को भी हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसे जो हमारा व्हाइट मैटर था वो भी थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है, ऐसे ही जो हमारा ग्रे मैटर होता है ना ये भी थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है, डॉर्सल या पोस्टीरियर हॉर्न, जो कि आपको यहाँ पे ग्रे ग्रीन कलर से दिख रहा है इमेज के अंदर, वेंट्रल या एंटीरियर हॉर्न जो आपको ब्लू कलर से दिख रहा है, और एक लेटरल हॉर्न जिसको हम इंटरमीडिएट हॉर्न भी कह देते हैं, जो कि आपको रेड कलर से इस इमेज के अंदर दिख रहा है, राइट। अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि ये हॉर्न्स होते क्या हैं और इनका सिग्निफिकेंस क्या होता है। सो डॉर्सल हॉर्न, डॉर्सल हॉर्न क्या है, जो कि आपका पीछे की तरफ है, डॉर्सल यानी कि पोस्टीरियर, ठीक है, पीछे की तरफ। सो इट इज नैरो एंड एक्सटेंड्स आउट टू द एज ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। इसका फंक्शन क्या होता है कि जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आ रही है आपके पास वो यहाँ पे आके रिलाय होगी, यहाँ पे सेंसरी न्यूक्लियस होगा, ठीक है। ट्रैक्स के थ्रू जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आ रही है, जो आपको बाहर स्टिमुलस मिल रहा है उससे जो आपको सेंसरी इंफॉर्मेशन आ रही है वो जहां जाके कहां पे आएगी,
डॉर्सल हॉर्न के ऊपर आएगी। अगर आप सबसे पहली स्लाइड आपने मेरी ध्यान से सुनी होगी तो वहां पे मैंने वर्ड यूज किया था स्पाइनल कॉर्ड के लिए, दैट इज वेल ऑर्गेनाइज्ड। यानी कि और वो बात देखो आपको समझ भी आ रही होगी कि वेल ऑर्गेनाइज्ड क्यों है ये, ठीक है। मतलब इतनी खूबसूरती से भगवान ने हर चीज बनाई है ना हमारे लिए कि प्रॉपर हर एक जगह दे रखी है हर चीज के लिए, कि डॉर्सल स्पाइनल कॉर्ड में भी ग्रे कॉलम है, ग्रे मैटर है, ठीक है। ग्रे मैटर का भी जो डॉर्सल हॉर्न है वहां पे आपकी सेंसरी इंफॉर्मेशन आएगी, वहां पे आपकी रिलाई करेगी सेंसरी इंफॉर्मेशन, वहां पे सेंसरी न्यूक्लियस होगा और वो फिर आपके इंफॉर्मेशन को ऊपर ब्रेन तक लेके जाएगा, ठीक है। तो डॉर्सल हॉर्न किस लिए आपका, फॉर इनकमिंग सोमैटो सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए। फिर आता है आपका वेंट्रल हॉर्न, यानी कि एंटीरियरली जो ग्रे मैटर का हिस्सा आगे की तरफ है उसे हम कहते हैं वेंट्रल हॉर्न। सो ये राउंडेड होता है और इसके अंदर आपके मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, यहां से इंफॉर्मेशन आपकी बाहर जाती है टू योर स्केलेटल सिस्टम, मोटर सिस्टम, कि हाँ कोई आया है या फिर कुछ आपने ऐसे देख लिया, कुछ गर्म चीज पे हाथ लगाई तो एकदम से हाथ दूर करना, ये कमांड हमें कहां से आ रही है, फ्रॉम द वेंट्रल हॉर्न, ठीक है। तो उस रास्ते में वेंट्रल हॉर्न एक हिस्सा होता है। देन इज द लेटरल हॉर्न। तो अब ये जो बच्चों लेटरल हॉर्न होता है ना, ये प्राइमरीली होता है थोरैसिक रीजन के अंदर। हर सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में आपको ये नहीं मिलता, लेटरल हॉर्न बट थोरैसिक स्पाइन के अंदर आपको प्राइमरीली देखने को मिलता है। इसके अंदर प्री गैंग्लियोनिक विसरल मोटर न्यूरॉन्स होते हैं जो कि सिंपथेटिक गैंग्लिया जो होता है उसको प्रोजेक्ट करते हैं। अभी सिंपथेटिक, पैरासिंपथेटिक, इन सब के बारे में डिटेल में मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो जो थी, जो मैंने बनाई थी इंट्रोडक्शन टू न्यूरो एनाटॉमी, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी थी ये सारी चीजें। तो अगर आपको वो देखनी है तो प्लीज आप वो जाके देख लो, ताकि आपको जो आगे की वीडियोज है वो अच्छे फ्लो में समझ आएंगे, राइट। नाउ डॉर्सल हॉर्न जो था मतलब वो सेंसरी फंक्शन के लिए काम आता है, वेंट्रल हॉर्न जो था जो आगे वाला हॉर्न था वो मोटर इन फंक्शन है, यानी कि वो मोटर नर्व्स, मोटर एक्शन, स्केलेटल सिस्टम, ये सब चीजें देखता है। और लेटरल हॉर्न जो होता है आपका वो विसरल स्ट्रक्चर्स का एफरेंट और इफरेंट पार्ट करता है। तो ये ग्रे मैटर के अंदर तीन डिविजन है जिनको हम हॉर्न्स कहते हैं, ग्रे मैटर के डिविजन को हॉर्न कहते हैं, राइट। तो इन तीनों का मोटा मोटा अगर कोई आपसे पूछे तो इनका एक लाइन में जवाब दे रहा हूं, तो इन तीनों का ये काम होता है, राइट। देख रहे हो आप यहाँ पे डॉर्सल हॉर्न ये रहा, लेटरल हॉर्न ये रहा, एंड दिस इज द वेंट्रल हॉर्न। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक इज द स्पाइनल नर्व। तो अब भाई स्पाइनल कॉर्ड है तो उसके अंदर से नर्व्स तो आएंगी, तो जो नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं उन्हें हम कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। तो टोटल कितनी होती है, 31 पेयर, पेयर यानी कि राइट और लेफ्ट दोनों का मिला के एक पेयर बनता है, और ऐसे हमारे 31 पेयर होते हैं। कौन कौन से, 8 सर्वाइकल, 12 थोरैसिक, 5 लंबर, 5 सेक्रल एंड 1 कोक्यूजल। इस डायग्राम में आप देख सकते हो बहुत अच्छे से यहाँ पे सारी नर्व्स को प्रेजेंट रिप्रेजेंट किया गया है। सो ईच स्पाइनल नर्व अराइजेस बाय अ सीरीज ऑफ डॉर्सल एंड वेंट्रल नर्व रूटलेट्स। अब अभी हमने क्या पढ़ा था कि डॉर्सल वाला पार्ट आता है और एक वेंट्रल वाला पार्ट आता है। वेंट्रल वाला पार्ट मोटर होता है, डॉर्सल वाला पार्ट जो होता है वो सेंसरी होता है। ये दोनों नर्व रूट्स कहाँ यूनाइट होते हैं, इन और नियर द इंटरवर्टिब्रल फोरामेन, और ये साथ मिलके हमारा बनाते हैं स्पाइनल नर्व्स। देखो इस डायग्राम को देखो आप, यहां से आया हमारा डॉर्सल नर्व रूट, यहां से आया हमारा एंटीरियर नर्व रूट, ठीक है, वेंट्रल नर्व रूट, ये यहाँ पे आपके आपस में यूनाइट हो गए और ये पूरी एक स्पाइनल नर्व यहाँ बन गई है। तो यहाँ डायग्राम से भी आप देखोगे और आपको यहाँ लिखा हुआ भी मिल गया है, ठीक है। नाउ अ स्पाइनल सेगमेंट। अब स्पाइनल सेगमेंट ये बहुत फ्रीक्वेंटली वायवा में पूछा जाता है कि व्हाट इज अ स्पाइनल सेगमेंट। सो स्पाइनल सेगमेंट क्या होता है, इट इज अ सेगमेंट और पार्ट ऑफ अ स्पाइनल कॉर्ड टू विच अ पेयर ऑफ डॉर्सल नर्व रूट एंड अ पेयर ऑफ वेंट्रल नर्व रूट इज अटैच्ड इज कॉल्ड अ स्पाइनल सेगमेंट। मतलब कि जो आपको देखो इमेज देख रहे हो यहाँ पे, जो आपको इमेज में चीज दिख रही है कि हाँ एक सेक्शन ऑफ या फिर एक पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी आपको नर्व रूट्स निकलती हुई दिख रही है, वो पूरा जो सेगमेंट होता है उसे हम कहते हैं स्पाइनल सेगमेंट, ठीक है। तो अगर आपको डेफिनेशन याद नहीं होती, आप ये सिर्फ जो ये इमेज देख रहे हो आप यहाँ पे, इसको आप बिल्कुल एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लो। तो अगर आप एग्जाम में कुछ भूल भी जाते हो या फिर आपको नहीं याद आता, तो आपको बस ये इमेज याद होनी चाहिए, ठीक है। इमेज एज इट इज आप वहां पे बनाया हो एक रफ तरीके से, और उसके बारे में दो तीन लाइनें लिख दो, योर आंसर इज फिनिश।
ठीक है। अब जल्दी से एक बार और रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि अब तक हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन फिर से गैदर कर ली है। तो ट्रैक्स जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ग्रे कॉलम में, व्हाइट कॉलम में, डॉर्सल हॉर्न में, वेंट्रल हॉर्न में? प्लीज बिल्कुल सही आंसर करना, और आपका जो भी आंसर है वो कमेंट्स में मुझे बता देना, मैं जरूर उसका रिप्लाई करके बताऊंगी आपको कि आपने सही आंसर दिया है या गलत आंसर दिया है। पीछे मत मुड़ना, पीछे जाके चेक मत करो कि कहाँ ट्रैक था, खुद याद करने की कोशिश करो कि कहाँ ट्रैक था, ठीक है, अपना आंसर लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ पोस्टेरोलेटरल सल्कस। जो पोस्टेरोलेटरल सल्कस हमने पढ़ा था उसका फंक्शन क्या होता है? मोटर नर्व रूट एमर्ज आउट फ्रॉम हेयर, सेंसरी नर्व रूट एंटर स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम हेयर, मिक्स्ड नर्व एंटर्स हेयर एंड सेंसरी नर्व रूट एमर्जेस आउट फ्रॉम हेयर। जल्दी से सोचो इस आंसर के बारे में और जल्दी से कमेंट करो इस आंसर को। टोटल पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर 16, 27, 45 एंड 31। ये तो बहुत ईजी है, ये तो आपको याद ही हो गया होगा, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज द न्यूक्लियाई ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अब देखो जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। हमने पढ़ा कि व्हाइट मैटर के अंदर ट्रैक्स होते हैं और जो ग्रे मैटर होता है उसके अंदर हॉर्न्स होते हैं। हमने ये पढ़ा कि जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है ना वो एक बहुत वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब जो व्हाइट मैटर था उसके अंदर तो होते हैं हमारे ट्रैक्स, जो ग्रे मैटर है उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एंटीरियर, लेटरल एंड पोस्टीरियर हॉर्न। अब ये जो ग्रे मैटर होता है ना इसके अंदर न्यूक्लियस भी होते हैं, ठीक है, जिनको हम न्यूक्लियाई भी कह देते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने वही बात करी, 3 हॉर्न्स है हमारे स्पाइनल ग्रे मैटर के अंदर। अब इनके अंदर कौन कौन से न्यूक्लियाई प्रेजेंट है वो यहाँ पे मैंने सारे लिखे हुए। जो हमारा एंटीरियर हॉर्न होता है उसके अंदर हमारे 3 ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, मीडियल, लेटरल एंड सेंट्रल, MCL, ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो एंटीरियर हॉर्न में हमारे कौन कौन से न्यूक्लियाई प्रेजेंट है? MCL, मीडियल, सेंट्रल एंड लेटरल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन द एंटीरियर हॉर्न। लेटरल हॉर्न में देयर आर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट, इंटेरो मीडियो लेटरल, इंटेरो मीडियो मीडियल, यानी कि इंटेरो मीडियल तो सेम है, लेटरल और मीडियल का ही फर्क है। तो लेटरल हॉर्न में हमारे 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, इंटेरो मीडियो लेटरल न्यूक्लियस एंड इंटेरो मीडियो मीडियल न्यूक्लियस। फिर आता है लास्ट पोस्टीरियर हॉर्न, इसके अंदर होते हैं हमारे 4 न्यूक्लियस, पोस्टेरो मार्जिनल न्यूक्लियस, सब्सटैंशिया जेलेटिनोसा वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियस प्रोप्रियस वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियस डोर्सालिस वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारे हमारे सेंसरी न्यूक्लियस होते हैं। अभी जब हम ट्रैक्स पढ़ेंगे ना तब हम इन सब न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बट अभी राइट नाउ ये इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में बैठा लो, बिल्कुल इस लाइन को बिल्कुल अपने माइंड के ऊपर छाप लो कि कौन कौन से हॉर्न्स होते हैं और किस हॉर्न के अंदर कौन कौन से न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जब हम ट्रैक्स पढ़ेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन हमें बहुत काम आएगी। और अगर अभी से याद कर लोगे तो वहां पे इतना प्रेशर नहीं पड़ेगा, एकदम कोई एलियन चीज नहीं कि ये क्या बताने लगे मैम ट्रैक्स के अंदर, ठीक है। देख रहे हो यहाँ पे इमेज में भी आपको बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है, ये आपका पूरा ग्रे मैटर है, हाफ सेमी सेक्शन है, हाफ सेक्शन है, ठीक है, और यहाँ पे सारे न्यूक्लियस के बारे में दिखाया हुआ है। लैमिनर ऑर्गेनाइजेशन इन स्पाइनल कॉर्ड। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आता है, नहीं तो वाइवा में, एंट्रेंस में, आपके पीजी एंट्रेंस में जरूर यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है ना उसको हम एक लेयर्ड अरेंजमेंट देते हैं, लेयर्स में उसको डिवीजन देते हैं, जिसको हम कहते हैं लैमिने ऑफ रेक्सेड। लैमिना का मतलब होता है लेयर्स, ठीक है। तो देयर आर 10 लेयर्स और 10 लैमिनार प्रेजेंट इन द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। देख रहे हो आप जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10th वाला यहां पे है। सो दिस इज द लैमिना ऑफ रेक्सेड। तो स्टार्टिंग में देखो ये 10 हमारे लेयर्स हैं, स्टार्टिंग कहां से होती है? एट द टिप ऑफ द डॉर्सल हॉर्न। और ये किधर की तरफ मूव करते हैं? मूविंग वेंट्रली इनटू द वेंट्रल हॉर्न, यानी कि डॉर्सल लेवल से स्टार्ट होते हैं और वेंट्रल तक आते हैं, यानी कि पीछे से आगे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। डॉर्सल का मतलब पोस्टीरियर पीछे, वेंट्रल का मतलब एंटीरियर आगे की तरफ। सो लैमिना 1, अब देखो ये टेबल जो है ये तो बिल्कुल आंख बंद करके इस तो पूरे टेबल को याद कर डालो, ठीक है। लैमिना 1 किसके कॉरेस्पॉन्ड करता है? पोस्टेरो मार्जिनल न्यूक्लियस के। लैमिना 2 सब्सटैंशिया जेलेटिनोसा। लैमिना 3 न्यूक्लियस प्रोप्रियस। लैमिना 4 कॉरेस्पॉन्ड टू न्यूक्लियस प्रोप्रियस सेम। 5 एंड 6 किसको कॉरेस्पॉन्ड करते हैं? बेस ऑफ डोर्सल कॉलम।
लैमिना 7 कॉरस्पॉन्ड्स टू इंटरोमीडियोलेटरल, इंटरोमीडियोमीडियल एंड न्यूक्लियस डोर्सालिस। लैमिना 8 कॉरस्पॉन्ड्स टू मीडियल एस्पेक्ट ऑफ वेंट्रल हॉर्न। लैमिना 9 कॉरस्पॉन्ड टू लेटरल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ वेंट्रल हॉर्न। लैमिना 10 सराउंड्स द सेंट्रल कैनाल एंड कॉरस्पॉन्ड्स टू डीकसेटिंग न्यूरॉन्स न्यूराविया। आई नो ये बहुत ऐसा लग रहा है कि इसको कैसे याद करेंगे कैसे याद करेंगे, बट देखो यहाँ पे भी एक चीज नोटिस करो, मैंने क्या बोला था कि जो लैमिना 1 से लेके 10 तक है तो ये आगे की तरफ आते हैं, यानी कि जो लैमिना 1 है वो पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है और जो लैमिना 10 है वहां तक वो आगे आगे करके मतलब आगे की तरफ को आते हैं। तो अभी हमने जो न्यूक्लियस के नाम याद किए थे कि जो पोस्टीरियर ग्रे कॉलम है, डोर्सल ग्रे कॉलम है, वहां के ये 5 या 4 न्यूक्लियस है, मीडियल के सॉरी लेटरल के आपके ये बीच के ये न्यूक्लियस हैं और डोर्सल ग्रे वेंट्रल ग्रे कॉलम के आपके ये न्यूक्लियस हैं। तो ऑब्वियसली जो शुरू के लैमिना है यानी कि जो फर्स्ट से लेके 4 लैमिना है, इनमें जो आपका डोर्सल कॉलम है, डोर्सल ग्रे कॉलम है, उसी के न्यूक्लियस आएंगे क्योंकि जो लैमिना है आपका वो पीछे से स्टार्ट हो रहा है। जो आपके आगे आने वाले लैमिने हैं वहां पे आपके वेंट्रल न्यूक्लियस होंगे जो वेंट्रल ग्रे कॉलम में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि भाई पीछे का है तो कौन सा पीछे का आएगा। अगर आपको इनके नाम भी याद नहीं हो रहे न्यूक्लियस के तो आप एक मतलब यू नो अगर कोई आपसे क्वेश्चन भी पूछता है तो आप ऐसे बोल सकते हो कि जो वेंट्रल कॉलम होता है, ग्रे कॉलम होता है, यानी कि जो आगे वाला हिस्सा होता है ग्रे कॉलम का, वो कॉरस्पॉन्ड करता है लोअर लैमिने को यानी कि 7, 8, 9, 10 को, और जो शुरू के लैमिना लेयर्स होती है 1 से लेके 4 तक या स्टार्टिंग की जो होती है वो कॉरस्पॉन्ड करती है टूवर्ड्स द डोर्सल ग्रे कॉलम, है ना, क्योंकि वहीं के न्यूक्लियस को वो कॉरस्पॉन्ड कर रही है। तो इस तरीके से भी रिलेट करके याद कर सकते हो, इसलिए मैंने ये स्लाइड अलग से बनाई थी ताकि आपको ना रिलेट कर पाओ चीजों को कि ये डोर्सल हॉर्न से स्टार्ट हो रहे हैं तो इनका जो न्यूक्लियस है ये भी डोर्सल हॉर्न से ही रिलेट करता है, ठीक है। ये आपके वेंट्रल हॉर्न की तरफ मूव करते हैं तो धीरे धीरे आप देखोगे वही न्यूक्लियस आ रहे हैं जो वेंट्रल हॉर्न में प्रेजेंट होते हैं हमारे ग्रे कॉलम के, ठीक है। तो इसलिए अगर नहीं भी आ रही हो चीज तो इस तरीके से याद कर लो ताकि आप एक आंसर तो लिख के आ ही सको या फिर वाइवा में आप कुछ बोलने लायक तो रहोगे कम से कम, ठीक है। तो यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो यहाँ पे सारी। जल्दी से एक फिर से रिवीजन कर लेते हैं। सब्सटैंशिया जेलेटिनोसा इज लोकेटेड इन, और ऑप्शंस हैं आपके पोस्टीरियर ग्रे कॉलम, एंटीरियर ग्रे कॉलम, लेटरल ग्रे कॉलम और व्हाइट मैटर। जल्दी से कर दो इसका कमेंट क्या सही आंसर है, जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताओ, ठीक है। नो चीटिंग अलाउड। लैमिना 9 इज लोकेटेड इन डोर्सल हॉर्न, लेटरल हॉर्न, वेंट्रल हॉर्न एंड सेंट्रल कैनाल। जल्दी से अपना आंसर लिख दो कमेंट बॉक्स में। न्यूक्लियाई इन डोर्सल ग्रे कॉलम इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट न्यूक्लियस प्रोप्रियस, इंटरोमीडियोलेटरल न्यूक्लियस, सब्सटैंशिया जेलेटिनोसा एंड न्यूक्लियस डोर्सालिस। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करो। सो ये टॉपिक होता है यही पे एंड। स्पाइनल कॉर्ड की एनाटॉमी इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। बहुत लंबा वीडियो था, आप लोग भी बहुत थक गए होंगे देखते देखते। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो है द ट्रैक्स, दैट इज द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक्स। तो उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आप उसको क्लिक कर सकते हो और जाके मेरी वो वाली वीडियो देख सकते हो। बाकी अगर आपको कोई कमेंट करना हो या फिर आपको मुझसे कोई डाउट पूछना हो तो प्लीज आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वैल्यूएबल लगा हो, तो प्लीज आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक